गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, एक्चुअली ये रात का ब्लॉग था, बट गुड मॉर्निंग इसलिए विश कर रही हूँ क्योंकि आपको ये सुबह मिलेगा। और ये ब्लॉग था, मैंने इससे पहले एक ब्लॉग शूट किया, उसके बाद ये ब्लॉग स्टार्ट किया। और ये मेरा भतीजा है जो चम्मच हिला रहा है। मैं यहाँ पर सब्जी भी बन रही है, उसके साथ साथ रोटियाँ भी बन रही है। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी रोटियाँ, तो हम लोग बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारे मीन्स मेरे ननद का बेटा था और जेठानी का बेटा था, हम चारों थे और श्रीकांत था, तो इसी ऐसे हम लोग इतने सारे थे, तो इसीलिए ये सारी रोटियाँ बन रही है। और यहाँ पर साथ साथ सब्जी भी बना रही हूँ। और ना ऐसे साथ साथ बनाती हूँ तो जल्दी बन जाता है, क्योंकि हम लोग मार्केट थे, आप लोगों को तो पता ही है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और उसके बाद आके फिर मैंने ये खाना वगैरह बनाया। उसके बाद खाना बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। और आज मुझे जल्दी जल्दी करना भी है, पैकिंग भी पूरी करनी है। उसके बाद मुझे सुबह तक, दूसरे दिन सुबह निकलना है भाई की एंगेजमेंट के लिए, मायके जाना है, तो इसीलिए ये सारा जल्दी जल्दी में हुआ है। तो आज इन लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि भतीजा और भांजा आया, तो उन दोनों के साथ आज टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद कल तो निकल जाना है भाई के एंगेजमेंट के लिए। वैसे तो मुझे थोड़ा सा जल्दी ही जाना था, मैं अपने ससुराल में थी इस वजह से जा नहीं पाई, तो कोई बात नहीं। अभी दो चार दिन तो है मेरे हाथ में, मतलब भाई की एंगेजमेंट है, उसके बाद हल्दी है, उसके बाद शादी है, और उसके बाद रिसेप्शन है। तो उसके ब्लॉग तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर ये मजाक कर रहे थे मेरे साथ, वो यही बोल रहे थे कि आप थक गई होंगी तो बहुत काम करती हो, ये वो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए पूरी फैमिली मिलके खाना खा रही है, अच्छा लगता है यार। ऐसे पूरी फैमिली मिलके खाना जब खाती है ना, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। और ऐसे ही डाइनिंग पे तो इतने सारे लोग नहीं बैठेंगे, तो हम लोग ना ज़्यादा लोग होते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही है, ऐसे नीचे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब लोग मिलके जब खाते हैं, गपशप मारते हैं, सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यही तो टाइम होता है जब हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं आराम से, और एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर सकते हैं। तो बस यही फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी मेरी पैकिंग भी बाकी है, तो वो भी पैकिंग कर लूँगी। एक जो बैग मैंने निकाल के रखी थी, तो उसमें तो सारी चीज़ें नहीं आ रही है, तो मुझे बड़ी बैग लेनी पड़ेगी। और इतनी सारी चीज़ें हो गई यार जाने के लिए, जैसे कि एंगेजमेंट है, फिर उसके बाद हल्दी है, उसके बाद शादी है, रिसेप्शन है, तो इस चक्कर में ना इस सारी चारों फंक्शन की साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, उसके फुटवेयर, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ें निकालते निकालते मुझे टाइम इतना चला गया मेरा। और उसके बाद ये पैकिंग करने के लिए गई ना, तो एक बैग में आ भी नहीं रहा था, तो दूसरी बैग निकालनी पड़ी, उसके बाद तीसरी बैग निकालनी पड़ी। ऐसे चक्कर में आपको बाद में दिखा दूँगी कि मैंने कितना पैक किया है, मतलब बहुत सारी मेरा लगेज हो गया है। और यहाँ पर खाना होने के बाद तुरंत वॉश कर रही हूँ बर्तन, क्योंकि कल सुबह ही निकलना है हमें एकदम सुबह मॉर्निंग में। और उसके बाद उस टाइम तो सुबह सुबह बर्तन क्लीन करना नहीं होगा मेरा, इसी वजह से थक भी गई थी, फिर भी मुझे बर्तन क्लीन करके ही सोना था। यहाँ पर इन्होंने ये आग जलाई थी, और थोड़ी देर आग सेकेंगे, उसके बाद मैं अंदर चली जाऊँगी, और ये थोड़ी देर बातें करते हुए बच्चों के साथ बाहर ही रहेंगे। एक्चुअली ना मुझे थोड़े से काम भी है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यार आजकल, मतलब महाराष्ट्र में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आप लोगों की साइड में कैसी ठंड है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। दिल्ली वगैरह साइड में, यूपी साइड में तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली की ठंड देखी है, मतलब यूपी की ठंड देखी है, दिल्ली की ठंड देखी है, तो हमें पता है बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर तो ठंड। यार मुझे करना था फेशियल, और फेशियल करने से पहले मैंने सोचा आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर कर देती हूँ जो मुझे रिसीव हुए हैं। मैंने किचन के लिए कुछ ऑर्डर किए थे और वो मुझे आज रिसीव हो गए हैं। तो सबसे पहला है ये, एक्चुअली ये मैंने अभी तक तो ओपन भी नहीं किया है, मैंने सोचा चलो आपके साथ डायरेक्ट ही शेयर कर देती हूँ। तो ये है पूरी मशीन जो आती है ना वो है, तो एक सेकेंड ना, तो ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी हेवी लग रही है यार, स्टील की पूरी मशीन मैंने ऑर्डर की थी। ये इसका डंडा अलग से आया है, ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये नट दिया है, इसमें ये लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर इस तरह से ये पूरी मशीन मिली है। इसमें आप पूरियाँ भी बना सकते हो, या इसमें आप पापड़ भी बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मुझे चाहिए थी ये, कब से मैंने ऑर्डर कर दी है और ये मुझे रिसीव हो गई है। तो ये है पहला प्रोडक्ट, और सेकंड मुझे रिसीव हुआ है आज ही ये। तो ये एक्चुअली
कब से मुझे चाहिए था बॉटल और ये इसके साथ दो ग्लास दिख गए, तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर कर देती हूँ। और काफ़ी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिए। वहाँ पर ग्लास है दो, एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। देखिए ग्लास की डिज़ाइन कितनी प्यारी है। इस तरह से मुझे ये दो ग्लास इसके साथ मिले हैं। और हाँ, ये जो सामान मैंने सारा परचेस किया है ना, वो मैंने लिया है बुलबुल ऐप से। इससे पहले भी मैंने होम डेकोर के काफ़ी सारे आइटम वहाँ से परचेस किए हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिसीव हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर ना आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स के, वजह से आपको टेंशन नहीं रहता है घर पे आने के बाद आपको रिटर्न करना है या कुछ, मतलब वहाँ पर ही आपको क्वालिटी पता चल जाती है प्रोडक्ट की, यही इस ऐप की खासियत है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये किचन के लिए नहीं लिया है, ये कार वॉश करने के लिए लिया है। मतलब जैसे कि आप जो आपका पाइप होता है यहाँ पर आप लगा सकते हो और इससे आपकी कार अच्छे से वॉश होगी, मतलब स्प्रे निकलेगा इससे और इससे आपकी कार बहुत अच्छे से वॉश होगी, तो ये मैंने कार वॉश करने के लिए लिया है। तो ये जब यूज़ करूँगी तब आपको दिखा दूँगी। और उसके बाद मैंने कुछ कंटेनर्स ऑर्डर किए थे, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से है, 1 kg का एक कंटेनर है, उसके बाद ये 1/2 kg का है, उसके बाद ये एक छोटा सा कंटेनर है इसमें। तो इस तरह से ये 6 है, 6 छोटे मतलब 6 बड़े, 6 इतने साइज़ के और 6 इतने साइज़ के, तो ऐसे कंटेनर मुझे रिसीव हुए हैं। मतलब काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें और इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे किचन में। तो जब सेट करूँगी आपको दिखा दूँगी। तो ये मैंने लिए हैं, ये इस बॉक्स में मुझे रिसीव हुए थे और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये मैंने लिए हैं। उसके बाद मैंने ना फुटवेयर लिए हैं, काफ़ी सारे फुटवेयर ऑर्डर किए थे, कुछ मम्मी के लिए और कुछ मेरे लिए, तो वो मुझे रिसीव हो गया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। शादी के लिए ही ऑर्डर किए थे वैसे, और शादी से पहले ही मुझे रिसीव हो गया है, तो अच्छी बात है। और हाँ, कुछ साड़ियाँ भी ली है, बट अभी साड़ियाँ दिखाने के लिए टाइम नहीं है, साड़ियाँ मैंने इस ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी। और कुछ कुर्तीज़ भी ऑर्डर की थी तो वो भी दिखा दूँगी, कुछ ज्वेलरी है वो भी दिखा दूँगी, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिए है ये शादी के लिए नहीं लिया है, ये मुझे अच्छा लगा था तो इसी वजह से मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो ये जीन्स वगैरह पे, स्कर्ट वगैरह पे पहनने के लिए अच्छा है, मतलब कि आप इस तरह से पहनोगे और उसके बाद ये जो लेस है आप अपने पैरों पे ऐसे बांध सकते हो, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्टाइलिश लगती है ये पहनने के बाद। तो ये इस तरह से हैं, ये मैंने लिए है। और उसके बाद मैंने अपने लिए ली है एक बेली, तो वो बेली भी आपको दिखा देती हूँ। मोजरी टाइप ये इस तरह से ली है, ये बहुत सुंदर है, मतलब मल्टी कलर में है, तो कोई भी साड़ी हो या कोई भी मतलब आप लहंगा हो या कुछ भी हो इस पर आप इसे पहन सकते हो। आजकल तो लड़कियाँ जीन्स पे भी पहनने लगी है इसे, तो ये आप पहन सकते हो उस पर, बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसी वजह से मैंने ये ली है एक। उसके बाद मैंने अपने लिए ली है एक स्लीपर, और रिसीव भी बहुत ही अच्छी हुई है मुझे, तो इस तरह से है ये। वो ये डिफरेंट और ये डिफरेंट लग रही होगी डिज़ाइन में, बट ये एक ही है, कुछ इस तरह से अगर आप इसे अटैच करोगे तो ये एक ही दिखेगी। तो ये इस तरह से डिज़ाइन है, थोड़ी सी यूनिक है, बट मुझे अच्छी लगी थी इसी वजह से ऑर्डर कर दी। और क्वालिटी वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली है मुझे, तो आप देख सकते हो रबर बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। तो ये कुछ इस तरह से मैंने ली है स्लीपर। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ मम्मी की, तो मम्मी की दो ऑर्डर किए हैं मम्मी के लिए, ये ली है एक मम्मी के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये भी, मतलब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है यार इनके, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है ये भी। और इसके बाद मैंने मम्मी के लिए ली है एक और, तो वो भी कुछ उसी पैटर्न में है, कलर डिफरेंट है सिर्फ, मतलब वो थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा सा अलग है, ये कुछ इस तरह से है और आप देख लीजिए ये कुछ इस तरह से और ये इस तरह से है। मम्मी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मम्मी को ये पसंद आने वाली है पक्का। बस ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे और ये मुझे रिसीव हो गए हैं। जो साड़ियाँ और कुर्तीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी। इसमें से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा और आपका कौन सा फेवरेट है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अगर आपको लेना है इसमें से कोई भी प्रोडक्ट तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब इसका सेपरेट लिंक नहीं मिलेगा आपको। मेरा जो बुलबुल ऐप पे स्टोर है उस स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें ये सारे प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे एक ही लिंक में। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको मेरे स्टोर का लिंक दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद मेरा स्टोर ओपन हो जाएगा और उसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। अगर आपको उसमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो चलिए अभी फेशियल करती हूँ। फेस वॉश कर लिया है मैंने और अभी मैं फेशियल करने वाली हूँ, और वो रूपमंत्रा का करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने ये फेशियल किया है और अभी भी मैंने सोचा चाहिए यही फेशियल कर लेती हूँ। इसमें आपको 5 स्टेप मिल जाते हैं। पहला स्टेप है क्लिंजिंग मिल्क, सेकेंड स्टेप है ये फेस स्क्रब, और थर्ड स्टेप है मसाज जेल, और फोर्थ है फेस पैक, और ये है फिफ्थ है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करती हूँ क्लिंजिंग मिल्क से। चलिए जल्दी जल्दी फेशियल कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से सोना है, सुबह उठना भी है। वैसे मैंने फेस वॉश कर लिया था, फिर भी क्लिंजिंग मिल्क से एक बार क्लींस कर लेती हूँ फेस को। यहाँ पर पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये एक बैग भर गई है और उसके बाद ये एक बैकपैक भर गई है, उसके बाद ये एक लगेज भर गया है, उसके बाद ये एक बैग है और एक आध कल निकलेगी क्योंकि इन्होंने उनके कपड़े कुछ दिए नहीं है। तो इतने सारे बैग यार, 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं सिर्फ और इतने सारे बैग्स लेके जा रहे हैं। फेशियल हो जाने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ मैनीक्योर पेडिक्योर, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला यार पार्लर जाने के लिए, क्योंकि मैं ना अद्विक के बर्थडे के दिन दोपहर में आई थी यहाँ पे, और उसके बाद मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी पड़ी सारी चीज़ों के चक्कर में, ना पार्लर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, शॉपिंग वगैरह करनी पड़े, और उसके लिए ही मैं आज घर पे ही कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट डे मुझे निकलना भी है एंगेजमेंट के लिए, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें घर पर ही हो रही है। फेस पैक लगाया था, फेस पैक रिमूव कर लिया है, मतलब फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र और अभी मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के अपनी तैयारी में लगना है और फिर जाना है मायके। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।